अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत जरूरी है। इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। डेफिनेशन देखते हैं जी। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स विद साइज एम बाय एन, देन ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाय ए टी इज डिफाइंड टू बी द एन बाय एम मैट्रिक्स दैट रिजल्ट्स बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। वो कह रहे हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है और उसका साइज क्या है, एम बाय एन। एम बाय एन ये डिनोट कर रहा है कि एम जो है वो नंबर ऑफ रोज हैं और एन जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, उसको ए की ऊपर जैसे हम एक्सपोनेंट लिखते हैं वहां पे कैपिटल टी लिख के डिनोट किया जाता है, और डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि पहले उसका जो साइज था वो एम बाय एन था, लेकिन अब उसका साइज क्या हो गया, एन बाय एम। मैट्रिक्स का साइज ये हो गया। ये किस तरीके से हुआ, दैट रिजल्ट्स बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए, कि इस जो मैट्रिक्स ए है उसकी रोज को कॉलम्स में चेंज करने से उसका ट्रांसपोज आया। अब देखें एग्जाम्पल को देखने से पहले आप ये चीज देखें कि यहां पे एम बाय एन इसका मैट्रिक्स का साइज था, इसका मतलब एम नंबर ऑफ रोज थी, एन नंबर ऑफ कॉलम्स थे, लेकिन जब ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज में एन बाय एम आ गया, मतलब जो उसका पहले कॉलम था वो अब उसका रो हो गया। यहां पे एन इसका कॉलम था, यहां पे इसका रो बन गई है, और एम वहां पे इसकी रोज थी और यहां पे इसकी कॉलम बन गई है। इसका मतलब ये है, इस साइज से ही हमें ये समझ लगती है कि ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का कैसे लिया जाता है। जब हम उसकी रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं तो उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाता है वो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल है, यहां पे चार एंट्रीज है एक मैट्रिक्स की, A1, A2, A3, A4। A1 और A3 कॉलम है, A2 और A4 कॉलम है, A1 और A2 रो है और A3 और A4 भी रो है। जब मैंने इसके इस कॉलम को इस रो में चेंज कर दिया, A1, A3, यहां पे मैट्रिक्स ए में उसका कॉलम था लेकिन ए ट्रांसपोज में उसकी रो बन गया, यहां पे A2, A4 इसका कॉलम था, यहां पे A2, A4 इसकी रो बन गया है। मतलब ये कि मैंने इसकी एक रो को इसकी कॉलम में चेंज कर दिया है और ये एंट्री यहां पे आ गई, जिसकी वजह से ये कॉलम जो है ये रो में चेंज हो गया, तो जिससे हमें ये पता चला कि ये ए ट्रांसपोज बन गया है। अब हम इसकी एग्जाम्पल से वजाहत करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसकी वैल्यूज और एंट्रीज जिसको हम बोलते हैं वो ये है जी, 3, 7, 9 एंड 11। अब मैं कहता हूं कि ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ए की पावर टी लिख देंगे इसको, इसको बोलते हैं ए ट्रांसपोज। और इसका ए का ट्रांसपोज किस तरीके से आएगा कि जब मैं इसकी इस कॉलम को इस रो में चेंज कर दूंगा और उस रो को इस कॉलम में चेंज कर दूंगा, तो ये किस तरीके से होगा कि 3 और 7 पहले रो थी, इसको मैंने 3 और 7 कॉलम बना दिया, 3 और 9 कॉलम थे, कॉलम को मैंने रो बना दिया, 3 पहले लिखा है इधर 9 लिख देंगे और ये वाली एंट्री यही रहेगी, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। बी है मेरे पास एक मैट्रिक्स, इसकी एंट्रीज हैं 7, 9, 10, 11। मैं कहता हूं जो इसका ट्रांसपोज फाइंड करें, तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, जब हम इसकी इस रो को इस कॉलम में चेंज कर देंगे तो यहां पे इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 7, 10, 9 एंड 11, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। जी तो मेरी कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने ये देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह निगेबान।